गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग का शुभारंभ, यानी कि देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है एंजल गाइडेंस। ठीक है, बहुत दिनों के बाद एंजल गाइडेंस आपको देखने को मिल रही है, तो फोकस कीजिएगा आप। ओके, क्या है एंजल गाइडेंस? ओके, ओके, फाइव कार्ड्स हो गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ कार्ड बता रहे हैं कि यूनिवर्स जो है आपके साथ है। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ की वजह से परेशान हो आई थिंक, और आपको थोड़ा सा एक आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनसिक्योर हो रहे हो आप। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो नहीं। ठीक, बाकी का आगे का मैं देख लूँगा। तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको जो काम कर रहे हो वो काम करो, डट कर करो, निडर होकर के करो। ठीक है, ओके। चलिए बाकी के कार्ड्स क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ओके, तो बाकी के कार्ड बता रहे हैं कि देखिए आपकी हीलिंग ज़रूरी है। ठीक है, आपकी हीलिंग ज़रूरी है और आपकी हीलिंग यहाँ पे हो रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा आपकी हीलिंग हो रही है। आप बहुत ही सेंसिटिव हो। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, और मेरे अनुसार से यहाँ पे दिख रहा है, आपके कार्ड बता रहे हैं कि आप जो है कुछ चीज़ें जो है ना आपको बैक में खींचती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कि किसी की यादें हो गई, घर की याद आ रही है, पेरेंट्स की याद आ रही है, स्टडी करने बैठा हूँ, मन नहीं लग रहा, अब मन कर रहा है मैं चला जाऊँगा। तो ये जो है ना आपको कुछ ऐसी यादें बार बार ट्रैप कर रही हैं, जो कि आपका दिल बेचैन कर दे रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर चीज़ों को संभालना होगा। ठीक है, चीज़ों को संभालना होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ख़त्म करना होगा, क्लींस करना होगा, और आपको अपने लिए खुद सॉरी खुद के लिए जो है ना यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, या खुद के लिए जो है ना आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। हीलिंग की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको हीलिंग की। ठीक, हीलिंग कीजिए खुद की, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेडिटेशन कीजिए आप। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो है, देखिए आप जो है ना आपके दिल में कोई नए नए ख्याल भी आ रहे हैं, कोई नए नए प्लान भी बन रहे हैं। ठीक है, कुछ करना चाहते हो, दूसरों को खुश रखना चाहते हो, खुद भी खुश रहना चाहते हो, बट रह नहीं पा रहे हो, रख नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको जो है ना थोड़ा सा अपनी लाइफ में चीज़ों को और ज़्यादा सीखना पड़ेगा, और ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा, और ज़्यादा चीज़ों को सोचना पड़ेगा, और तब जाके फाइनली आप उस लायक बन पाओगे जिस लायक आपको बनने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस लायक आपको बनने की ज़रूरत है उस लायक आप बन पाओगे, बट टाइम लगेगा। ओके,
चलिए आगे कार्ड की बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका अर्थ से कोई ना कोई कनेक्शन है। हो सकता है कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो। आपका वाटर साइन हो सकता है, सॉरी वाटर साइन कह रही हूँ, आपका अर्थ साइन हो सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपको आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ईश्वर के द्वारा। मदर गिया भी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको जो है आप एक चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखो कि आप सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मतलब सपनों की दुनिया में बहुत ज़्यादा खोए खोए रहते हो, तो सपनों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, ज़रूरी है बाहर निकलना, ठीक है। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, अपना ईगो, अपना डर बाहर निकालो और उसके बाद देखो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज तो ज़रूर आएगा ही आएगा, नो डाउट, इसमें पॉजिटिव चेंज आना ही आना है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि महावतार बाबा जी भी आए हैं यहाँ पे, जो कि बता रहे हैं कि योगा है ना, योगा कीजिए आप, योगा से भी बहुत कुछ हमें अपनी लाइफ में सीखने को मिलता है। हमें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अपनी होती है ना कि स्ट्रेंथ आती है हमारे अंदर पावर आती है, सही डायरेक्शन का पता चलता है, तो वो चीज़ें जो है ना आपको करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो और प्लानिंग करो, ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करो। ईश्वर से कैसे कनेक्ट हो सकते हो वो थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको, देखिए आपको किसी को पॉइंट टू पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या हो क्या नहीं हो आप खुद जानते हो, आपके अंदर क्या खूबी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस बात का पूरा ख्याल रखना और हमेशा ख्याल रखना कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, ये आपके अलावा कभी कोई दूसरा नहीं जान सकता, ठीक है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको और आपको अभी फ़िलहाल हीलिंग पे फोकस करना है। जितना हो सके उतनी ज़्यादा आप अपनी हीलिंग कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।